हमनाबाद एक्शन मिले मरहूम मेरा जो दिन पटेल साहब के भाई, मुझे पटेल साहब ने कहे आप राज्य अध्यक्ष के बेटे होंगे तो मैं भी राज्य अध्यक्ष का भाई हूँ, और यहाँ मेरा जो दिन पटेल के 40,000 वोट है, पार्टी के वोट सेकंड है, वो मेरा जो दिन पटेल व्यक्ति के वोट है यहाँ पे। आप मेरा जो दिन पटेल की फैमिली को ही आप अगेंस्ट रख के जा रहे बोले तो आप वो सक्सेसफुल नहीं है आप। मरहूम मेरा जो दिन पटेल साहब के छोटे भाई भी हमारे साथ में 9 उम्मीदवारों में उन्होंने भी एक हैं, उनको दे भाई। अगर हम लोकल में मंग रहे ना हमारे, अब उनको पूरा मालूम है, पूरा एक्सपीरियंस है। फैज़ इब्राहिम साहब का जो आना जाना है बार बार, उसमें सवाल कर रहे कैंडिडेट हो गए क्या वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसको सौ जने को जवाब नहीं दे सकते हमें, जा को हर कोई को जो है जवाब देने नहीं आता। तो एक आपका जो बेहतरीन ज़रिया है जिससे हमें अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे कि हमनाबाद एक्शन मिले मरहूम मेरा जो दिन पटेल साहब के भाई, मुझे पटेल साहब ने कहे कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में हमनाबाद से जेडीएस पार्टी से एमएलए की टिकट लोकल वालों को ही मिलना चाहिए। और कहे मुझे पटेल साहब ने कि मरहूम मेरा जो दिन पटेल साहब जब एमएलए थे तो आवाम की काफ़ी मदद किए हैं, वो चाहते तो अपने भाइयों को एमएलसी जड़पी या कोई और लीडर बना देते थे, मगर ऐसा नहीं करके वो हमनाबाद आवाम की काफ़ी मदद किए हैं। और कहे पटेल साहब ने कि हमनाबाद में 40,000 से ज़्यादा मेरा जो दिन पटेल साहब के नाम के वोट हैं, और कहे कि आप ऐसी फैमिली के अगेंस्ट जा रहे हैं तो आप सक्सेस नहीं हैं, और कहे कि आप राज अध्यक्ष के बेटे हैं तो मैं भी राज अध्यक्ष का भाई हूँ। तो आइए हम आपको बताएंगे कि इसी को लेकर मुझे पटेल साहब, परवेश पटेल साहब और अब्दुल रहमान गोरे साहब ने क्या क्या कहे। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय आरके फैशन द कंप्लीट रेडीमेड शोरूम अपोजिट बस स्टैंड मालक कॉम्प्लेक्स हमनाबाद। हबीब स्टील ट्रेडर्स एंड सीमेंट हबीब कॉम्प्लेक्स NH9 नियर नूर धाबा हमनाबाद। QP हॉस्पिटल एक्सीडेंट ट्रॉमा सर्जिकल एंड क्रिटिकल केयर गुलबर्गा। यस महबूब धाबा वेज एंड नॉन वेज फैमिली रेस्टोरेंट मुंबई टू हैदराबाद रोड NH65। नवे गोरे भाई बोले दावेदार नहीं उम्र, दावेदारों की लिस्ट में उम्र पहले हमारे जो भाई साहब के टाइम पे 94 से जो भी हमनाबाद तालुके में वर्कर है। अब हम तो राज्य अध्यक्ष बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने, जिला अध्यक्ष बने, सब ये हमनाबाद तालुके के तमाम वोटर्स की मेहरबानी से ये राज्य स्टेट लेवल में क्या है, मेरा जो दिन पटेल का नाम हुआ, ये हमनाबाद के वोटर्स का एहसान है कि एक गाँव के आदमी को, एक ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को ले जाके स्टेट में नाम देने का, ये पूरा इसका जो भी कारनामा जाता है हमनाबाद तालुके वोटर्स को जाता है। दूसरी बात यह है, अब गोरे भाई है, अब पक्ष पार्टी में पैसा नाम अगर ऐसा चलता रहेगा तो नीचे का वर्कर क्या बनना चाह रहा, एक सामान्य वर्कर से पार्टी है, वर्कर से पार्टी है, पार्टी से वर्कर नहीं है, वर्कर से पार्टी है, वर्कर से कैंडिडेट बनता है, कोई ZP जीतता, कोई ग्राम पंचायत जीतता, कोई MLA जीतता। अब एक छोटे वर्कर को दो आप एक पार्टी की टिकट देने के बाद आपको एक मैसेज देंगे स्टेट लेवल में कि एक म्यूनसिपाल्टी लेवल का एक कैंडिडेट को जो है सो हम हमनाबाद तालुके में एक MLA दिए और पार्टी उसको जीता ही, ये आपके स्टेट लेवल एक मैसेज जाता। अगर उन्होंने बोले 45,000 वोट हमारी फैमिली को, आज भी हम अटैच में हैं, पब्लिक सेवा में हैं, आज एक शुगर फैक्ट्री हमारे भाई साहब अपने बाहयात में कर्नाटक बीदर जिले के किसानों को एक अच्छा मैसेज जाना, बल्कि आजकल एक अलीगढ़ फैक्ट्री में 4-4 MLA रह के फैक्ट्री को डेवलप नहीं कर सके, ये कर्नाटक बीदर डिस्ट्रिक्ट के किसानों के लिए और किसानों के सामने ये लोगों की बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। सरकार में रहने के बाद, सरकार का चेयरमैन होने के बाद आज फैक्ट्री बंद हो गई। अगर वही फैक्ट्री बीदर किसान मेरा जो दिन पटेल अगर चालू नहीं करते तो आज बीदर के ज़िले के किसानों की हालत, जब मालूम होता था कि फैक्ट्री अगर नहीं बनती तो
इसलिए मेराजुद्दीन पटेल के दौरे इख्तदार में उन्होंने कोई अपने भाइयों को लीडरशिप नहीं बनाई। मेराजुद्दीन पटेल वर्कर को, हर समाज को, चाहे एससी समाज हो, मुस्लिम समाज हो, कुर्बा समाज हो, निंगायत समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, हर समाज के लोगों को स्टेट डायरेक्टर तो बनाए, किसी को म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन तो बनाए। मेराज पटेल किसी भाई को एमएलसी, जेडपी अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, कोई तालुका पंचायत अध्यक्ष ने बनाया, कोई प्रॉपर्टी का तो डीलिंग में नहीं गए, डिग्री कॉलेज बनाए। गरीब लोगों के बच्चे गवर्नमेंट की फ्री सहूलत लेना बोल के उनको डिग्री कॉलेज हुआ। म्युनिसिपैलिटी के एम्प्लॉयज़ को इडी कर्नाटक में टैक्स वसूली होने के बाद उनकी तनख्वाहें उस सरकार से देना पड़ता। जब मेराजुद्दीन पटेल के दौरे इख्तदार में गवर्नमेंट ट्रेजरी से उनको पेमेंट देने का आज मेराजुद्दीन पटेल का वो कारनामा है। आज हुमराबाद चुड़गोबे में पानी की सहूलत होंदे, हॉस्टल होंदे, एससी एसटी के हॉस्टल होंदे, बीसीएम होंदे, मुराजी देसाई कॉलेजेस होंदे, ये सब कारनामे वो मेराजुद्दीन पटेल के। आज भी अल्लाह ताला हर लोगों के दिल में मेराजुद्दीन पटेल का जज्बात, उनका नाम, उनका आज भी इज्जत है, ता क़यामत तक भी उनकी मोहब्बत लोगों के दिल में रहती। बल्कि हमको ये भरोसा है, हम वो राजकारणी करे सो है। मैं कैंडिडेट बोले उन्हों मुझे कैंडिडेट बनाओ, उनका बड़ापन है बोले, मगर हम उस घर फैमिली से, उस भाई के भाई है, हम वर्करों को जिंदा रखें। हम कभी अपना खुद का सोचे नहीं। हम भी हाईकमान से यही रिक्वेस्ट कर रहे कि आप कहीं भी लोकल को दिए, टुमकुर में देवेगौड़ा साहब ठहरे, वहाँ पे देवेगौड़ा साहब की हार हो गई, मंडिया में कुमार स्वामी साहब के बेटे को दिए, हालांकि जब मुख्यमंत्री थे वहाँ पे निखिल कुमार स्वामी नहीं जीत सके। आप एक लोकलिटी को दियो, लोकल का वो जो बात रहती, लोकल में रहती, हर आदमी को एक दूसरे को टचअप में रहता है। आप पीजीआर सिंधे की दियो मिसाल, टॉप लीडर कईयों कर्नाटक में अच्छे अच्छे उहदों पर, उन्होंने मिनिस्ट्री पे पोस्ट पुलों पर रहने वाले शख्स बसवा कल्याण से आके हार गए। लोकल का लोकल ही होता। तो इसलिए हमारा हाईकमान से रिक्वेस्ट है कि जो 9 लोग हैं, सबसे ज़्यादा सतीश रामपुरे है, गोरे भाई है, ये लोगों का क्या है, 2013 से 2008 से हमारे भाई साहब मेराजुद्दीन पटेल साहब की मौजूदगी से, और हमारे परवेश पटेल साहब 2 साल से उन्होंने भी अपनी पार्टी का संगठन करते हुए एक जनता दल के बिछड़े हुए लोगों को एक जमा होने का एक उन्होंने एक मुहिम चलाई है। आज गोरे भाई हम सब बैठ रहे, परवेश पटेल साहब भी है, अच्छे होनाक है, उन्होंने अपना एक मुकामी, उनका एक रिलेशनशिप है, उनके वालदा का वतन है, उनका भी हक है, अल्लाह अगर उनको भी दे रहे हैं, गोरे भाई को दे रहे हैं। हम जो कैंडिडेट को अगर दो, बल्कि हम बोले, हम उसके लिए काम करने वाले हैं। पार्टी हमको, पार्टी में ही हम पार्टी का ही काम करेंगे। और यहाँ मेरा जो दिन पटेल के 40,000 वोट है, पार्टी के वोट सेकंड है वो, मेरा जो दिन पटेल व्यक्ति के वोट है यहाँ पे। आप मेरा जो दिन पटेल की फैमिली को ही आप अगेंस्ट रख के जा रहे बोले तो आप वो सक्सेसफुल नहीं है। आप राज्य अध्यक्ष के बेटे होंगे तो मैं भी राज्य अध्यक्ष का भाई हूँ, तो होना वर्कर से हम जाएंगे। हमको राज्य अध्यक्ष बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने, जिला अध्यक्ष बने, एमएलए बने, सब बने, हम क्या बोले, एक मामूली वर्कर। मामूली वर्कर को अगर कोई पार्टी एमएलए देती तो पार्टी के भी इमेज रहती। बड़े लोग पैसे वाले, करोड़ों पति है, लखपति है, पैसा किसका काम करता। ईश्वर खंडे साहब के पास पैसे नहीं था, एमपी क्यों आ रहे? धर्म सिंह साहब के पास पैसे नहीं थे, क्यों आ रहे एमपी? पैसे का रहता नहीं। आप जननायक बनना नहीं, जना सेवक बनना है आपको। पैसा लाके आप आज पैसे की बात कर रहे तो लोगों की अहमियत पैसे की है, वोट की अहमियत नहीं है। बाबा साहब एक संविधान में एक वोट दिया, एक किसान है तो वोट दिया, टाटा बिरला है तो उसको एक ही वोट का हक दिया, उस वोट का सही इस्तेमाल करो। आप पब्लिक की सेवा कर रहे बोले, बीदर ज़िले की राजकीय का इतिहास निकालो, पूरे पॉलिटिक्स में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मेराज पटेल कभी भी किसानों और बड़े गरीब लोगों के हित में थे, चाहे कोसी कास्ट का हों। आज किसान है, हर जात का किसान है, किसान की कोई जात नहीं है। आज कोई लीडर को फिक्र है, आपके हुमनाबाद तालुके में तकरीबन विलेजेस में शुगर फैक्ट्री के गाड़ियाँ नहीं है, हालांकि आपके पास कोऑपरेटिव गांधी शुगर फैक्ट्री है, नारंजा है। आप सोचना चाहिए, आप अधिकार में एक रहते हुए
राजकारणी लोग कोई किसान के बारे में नहीं सोच रहा। इलेक्शन आ रहे, इलेक्शन में देखेंगे, एक तो इलेक्शन में क्या देखने, क्या इसमें क्या शक्ति प्रदर्शन करने का रहता। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, एक सामान्य वर्कर को दो, जो जो लोग आकांक्षी है बराबर उनका हक है, पार्टी उनका हक देना चाहिए। और हम वो बोले आकांक्षी है, अगर हमको अल्लाह ताला सोम नौ मिल के बोलेंगे भाई आप आगे जाओ तो उसके बारे में हम सोचेंगे। पहले तो जितने लोग हमारे दावेदार है, गोरे भाई है, सतीश रामपुर है, दस्तगीर साहब है, हमारे परवेश पटेल साहब है, शौकत अली साहब है, अशरफ पटेल है, तमाम लोग हैं, हम कुमार स्वामी के सामने भी गए, वही बात रखे। हमारी गुजारिश ये है कि अच्छे होना यंग युवा शक्ति को आप पैसा ओहदा मुकाम देखने का नहीं है, आप एक अच्छे पार्टी में ग्रास लेवल वर्कर को आप टिकट देके उसको उम्मीदवार बनाए, बल्कि हमारी एक ख्वाहिश। नॉलेज पार्क हाई स्कूल के HB कॉलोनी नियर उमर मस्जिद बसवा कल्याण, बाई सीगी मोटर्स इलेक्ट्रिक टू व्हीलर शोरूम अपोजिट KAB ऑफिस दुबई प्लाजा हमनाबाद, बाई मेहदी हसन इंश्योरेंस फाइनेंशियल एडवाइजर LIC ऑफ इंडिया, ग्रैंड स्टार होटल विथ AC एंड नॉन AC फैमिली रूम अपोजिट बस स्टैंड हमनाबाद। अस्सलाम वालेकुम। गोरे भाई जो भी जितना भी बोल रहे, कल बोले आज बोले, जो भी बोल रहे, मेहनत मशक्कत है उनको जो है हक है, 10-15 साल से यहाँ रहे, मेहनत करे और कहीं ना कहीं एक अच्छी फिक्र के साथ उन्हों बोल रहे जो भी बोल रहे। अब हमें भी 8-9 आदमी जुड़ के हैं या पब्लिक के सामने ये वायरल हो रहे वीडियो या बातें नहीं कर रहे, तो इसका मकसद ये नहीं है कि पार्टी में आपस में इत्तेफाक नहीं है, हाँ ये मैसेज पहुँचा दे या CM फैज़ की मुखालिफत में ये बातें हो रहे, ऐसा नहीं है। पब्लिक जो है, जितनी भी पब्लिक जुड़ी हुई है हमारे से, वो सब पूछ रहे वसवसे वाले बातें, कई किस्म के बातें हो रहे हैं, तो उनके जवाब की शक्ल में हमें ये मजबूरन करना पड़ रहा। ऊपर जो है 6 नवंबर को जब प्रोग्राम हुआ, कुमार स्वामी जी जो बुलाए, उसके बाद से आज तक अभी तक इन्वाइट नहीं आया वहाँ से, तो वेट कर रहे हैं, हमें लगभग महीने के करीब आ गए तो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है, तो वेट कर रहे। अब उस सूरत में पब्लिक जो है फैज़ इब्राहिम साहब का जो आना जाना है बार बार, उसमें सवाल कर रहे कैंडिडेट हो गए क्या वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसको 100 जने को जवाब नहीं दे सकते हमें, जा को हर कोई को जो है जवाब देने नहीं आता। तो एक आपका जो बेहतरीन ज़रिया है जिससे हमें अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे कि भाई उन्हों फैज़ इब्राहिम फैज़ साहब भाई होंदे और ये बच्चे 109 बंदे होंदे, ये हमारे पार्टी के अंदर के आपसी मामले हैं जो आप देख रहे हर रोज़ देख रहे या हर हफ्ते में देखने में आ रहा, जो भी हमनाबाद से जुड़े हुए पब्लिक है उन वो सब जने देख रहे। टोटली हमें जो है कुल मिला के मज़बूत लीडर JDS से इस बार देंगे और वो जो है नक्शे कदम मेराजुद्दीन पटेल साहब के चलेंगे और मज़बूत रहेंगे और हर एंगल में उन्होंने जैसा सोचते थे या जैसा काम करते थे वही तरीके से काम करने वाला बंदा रहेगा हमारे बीच में जो भी निकलेगा इसमें। अब 9 आदमी हैं, 9 में से 9 रंग के हैं पूरे, अपने अपने खूबियाँ हैं, अपने अपने सलाहियतें हैं, अपनी अपनी वजूद है, अपना एक इमेजिनेशन है, यहाँ एक इमेज है, कम्युनिकेशन है, ये तमाम हुनर और औजार जो इनके पास हैं इन तमाम को इत्तेफाक़ में रखते हुए इत्तेहाद के साथ में हम जो है काम करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं हमें देवेगौड़ा जी से और कुमार अन्ना जी से और इब्राहिम साहब से भी है, क्योंकि इब्राहिम साहब जो है लगभग 50 साल से पॉलिटिक्स में रहे, एक्टिव पॉलिटिक्स में, और 50 साल की एक्टिव पॉलिटिक्स जो है उनकी, अगर उन्होंने 100% तय रहते तो पहले दिन ही अनाउंस करके ही भेजते थे उन्होंने। इब्राहिम साहब जो है फैज़ इब्राहिम भाई को जो है अनाउंस करके ही भेजते थे, अनाउंस नहीं करे मतलब इसका यह है कि उन्होंने भी सोच रहे, गौर कर रहे, सर्वे कर रहे, बात को समझ रहे, हो सकता आने वाले दिनों में वो जो है हमारे 9 आदमी के साथ में जुड़ के काम करने वालों में होंगे इंशाल्लाह यहाँ पे हमनाबाद में। फिर आगे चलकर देखेंगे हमारे से उनके हक में क्या कर सकते, हो सकता है उन्होंने MP कैंडिडेट भी बने बीदर के और एक सेंट्रल मिनिस्टर के फर्जंद होने के नाते ये बिगड़ते सुधरते हालात मुल्क के जो हैं 2024 को लेके, हो सकता ग्रुप में जो है पावर में आए तो ये आगे ब्राइट फ्यूचर है उनका। टोटली हमारी अदबन गुजारिश क्या है कि भाई जितने भी हमनाबाद की पब्लिक है उनसे 100% उम्मीद और भरोसा रखिए, आप JDS के प्लेटफॉर्म से एक बेहतरीन लीडर जो है उभरेगा और हम सब मिल के उसकी ताकत और क़ुव्वत बनेंगे, जुड़ के इत्तेफाक से रहते हुए मजबूत काम करेंगे और आगे आने वाला वक्त क्या होता देखेंगे।
अब मुजीब भाई जो है जो भी बोले उनके यहाँ तजुर्बा है, सालों का तजुर्बा है, पाँच छः इलेक्शंस ऑलरेडी किए हुए हैं बूथ लेवल पर, इनके कम्युनिकेशंस हैं। गोरे भाई काउंसलर रहे तो उनके भी यहाँ पर बहुत सारे कम्युनिकेशन में हैं, मामलात हैं। और शौकत भाई, दस्तगीर भाई, सतीश रामपुरे वगैरह जितने भी पूरे भाया हैं, पूरे एक अपने अपनी वजूद रखते हैं यहाँ पे। तो हारो जीतो और डट को रहो, हम जो है इत्तेफाक से जाने वाले हैं पूरे के पूरे, और टिकट एक को मिली तो भी पूरों को मिलने की बराबर है, और हर एंगल में फिट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो है एक्सटर्नल हमारे को सपोर्ट होना, और जो है ऐसा कोई भी पार्टी का फंड होना, बड़े पैमाने पर हमारे को फंड होना, पार्टी का फंड होना, ये भी नहीं है डिमांड नौ जने की। ये एक स्पेशल बात है उमनाबाद के एस्पिरेंट्स की, नौ जनों में कि भाई उन्होंने पार्टी फंड दियो बोल को ऐसा हाथ नहीं फैला रहे वो हाईकमांड में। जो भी है आपस में हम एकजुट होकर मेहनत करते, हर सूरत में हर हाल में जो है यहाँ पर डट को रहते मैदान में, इलेक्शन करने के बाद में भी रहते, कैसी भी सूरत हाल पैदा हो उसके वहाँ जो है डट को फैसला करते बोलने की बात है। और यहाँ पर यंग भी हैं, सीनियर भी हैं, तजुर्बेकार भी हैं, और इनसे जुड़े हुए 2400 ऐसे एक बड़ी मजबूत कम्युनिकेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। एक महीना या दो महीने भी अगर डट के मेहनत करे फील्ड में तो एक बेहतरीन रिजल्ट को पहुँचने की पूरे इम्कान हैं हमारे यहाँ। यहाँ से भी क्योंकि वो तो राज्याध्यक्ष के बेटे हैं, हमारे पास तो राज्याध्यक्ष के भाई है, उनको तो कोई भी इस पॉलिटिक्स का कोई उनका अनुभव नहीं है, कोई मालूम नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे अमनाबाद तालुके से 6 बार कॉन्टेस्ट करे सो मरहूम मेराजुद्दीन पटेल साहब के छोटे भाई भी हमारे साथ में 9 उम्मीदवारों में उन्होंने भी एक हैं, उनको दे भाई। अगर हम लोकल में मंग रहे ना हमारे, अब उनको पूरा मालूम है, पूरा एक्सपीरियंस है, पूरा तजुर्बा है उनको, क्योंकि उन्होंने मेराज पटेल साहब के साथ में 4 बार इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे। उसके बाद नसीम उद्दीन पटेल साहब के 2013 में 2018 में उन्होंने साथ ही उन्होंने ही काम करे, उनको जो उनको पूरा एक्सपीरियंस है, उनको मालूम है, क्योंकि वो तो राज्याध्यक्ष से बैठे हैं, उनको क्या अभी इसकी पॉलिटिक्स की ABCD भी उनको मालूम नहीं है। आकर एक राज्याध्यक्ष से बैठे हैं, बार बार मीडिया वाले ऊपर उनको दो, उनके साथ तुम काम करो, ये सब गलत है। हम उनके साथ काम कभी भी करने वाले नहीं हैं। हम में से 9 में से किसी को दियो, अगर वाकई राज्य अध्यक्ष के बेटे को देने वाले हैं तो हमारे पास भी राज्य अध्यक्ष के भाई हैं, मोहम्मद मुजीबुद्दीन पटेल साहब हमराबाद में हमारे साथ में हैं, अभी हमारे साथ में बाजू बड़े हैं भाई, हमारे साथ में है पूरे 9 कैंडिडेट, उनको दियो। हम बोल रहे पूरे मिलके, हमको लोकल वाले, हमको बाहर वालों से कोई कंसर्ट नहीं है और उनकी जरूरत ही नहीं है। अगर वाकई राज्याध्यक्ष है उन राज्याध्यक्ष साहब पसंद है, हम उनके साथ में काम करेंगे पूरा मिलके। उनके बेटे को कुछ भी नहीं मालूम, खाली आके फैज साहब, सीएम फैज साहब रहे, ये सब गलत है। हम